नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। उम्मीदवारी घोषणा हुई है तब से हम लोग उनके साथ कांटेक्ट में है, और इस बार जैसे मोदी जी ने कहा है 200 पार, तो पोद्दार जी वरिष्ठ नेता है भाजपा के हम लोग का, और हम लोग एकदम शोर जोर से सब उतर गया है मैदान में। दीवार लिखना चालू हो गया, झंडा टंग रहा, पार्टी ऑफिस का रंग हो गया, तो पब्लिक रेडी है। हम लोग एकदम शोर जोर से उनको जिता के विधानसभा भेजेंगे। इस पर क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पे चुनाव लड़ने का आप लोगों का? देखिए, मुद्दा तो एक ही है, भ्रष्टाचार। आप लोग को मालूम है, मैं आप लोग का माध्यम से कुंटीवासी को बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्को से में काम करते हैं उन लोग को डिप्टी मेयर के द्वारा धमकी मिल रहा है। सबसे 25-25 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है, तब जाकर उसका बिल बन रहा है। जब तक 25 हज़ार नहीं मिल रहा, उस पर बिल कौन मांग रहा है 25 हज़ार? डिप्टी मेयर, आप लोग पता कीजिए किससे मांग रहा है। सब कॉन्ट्रैक्टर से, सब कॉन्ट्रैक्टर को बुला के मीटिंग करके धमकी दिया गया कि पैसा दो नहीं तो तुम लोग को देख लेंगे। कर्मचारी जो है, जो लेबर कास्ट का है, जो ICDS में काम करता है, सबको धमकी मिल रहा है उसका द्वारा। तो वो महिला अगर तृणमूल जीतेगा तो ये महिला कुर्ती का क्या हाल करेगा, ये तो अभी से पता चल रहा है। 2 मई तक हम लोग तो भी सबको बोला है 2 मई तक चुप रहो, उसके बाद इस पार्टी का नामो निशान नहीं लेगा, ये सब टोलाबाज नेता लोग का भी नाम निशान नहीं। इस विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी डिसागढ़ से? उज्जल चटर्जी मेरा पहला व्यक्तिगत एनिमी मेरा है, क्योंकि कुल्टी को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ रहा है तो उसका नाम है उज्जल चटर्जी। तो उनके हराने के लिए जो करना है, जहां दिन रात खटना है और पब्लिक के पास पहुंचना है और पब्लिक को समझाना है कि कुल्टी में क्या हो सकता था और ये 15 साल में क्या नहीं, और कुल्टी का विकास, कुल्टी का सही मायने में विकास, इसको का मॉडर्नाइजेशन, यहाँ का बेकार का नौकरी अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में बंगाल को आगे ले जाना है।